वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो हम हर एक स्टूडेंट के साथ अपनी स्टडी लाइफ में आती है वो क्या है नींद आने की देखो मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं प्लान करा था बट रिसेंटली मैंने दो वीडियोस डाली थी आपके टाइम टेबल के ऊपर वन वॉज फॉर हाउ टू डू द सेल्फ स्टडी पूरा एक मैंने रिटीन बताया था एंड सेकेंड कि किस तरीके से बोर्ड में आप टाइम टेबल बनाओ डे एंड नाइट का तो सब बच्चों का यही आया था कि दी जब भी पढ़ने बैठते हैं चाहे कितना भी इंटरेस्ट हो तो हमें नींद आने लगती है तो उसका भी सोल्यूशन है दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो तो अगर ये तुमने फुल वीडियो देख ली तो योर लाइफ वुड बी चेंज आज के बाद तुम्हें कभी भी पढ़ते हुए नींद नहीं आएगी बस चार सिंपल स्टेप्स में तुम्हें बताऊंगी वो फॉलो करना बहुत ईजी है एंड देन नींद गायो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को देखो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ऑलमोस्ट फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट बच्चे जो हैं वो जब पढ़ने बैठते हैं उन्हें नींद आती है तो कुछ बुरा मत फील कर करो कि बस तुम्हारे साथ ही हो रहा है ठीक है तो लेट स्टार्ट कैसे आपको अपनी इस नींद वाली प्रॉब्लम को दूर करना है तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने बैठना है पढ़ने लेटना नहीं है समझ रहे हो मेरी बात को कई बार आई हैव सीन और मैं भी कभी कभी करती थी बच्चे पढ़ने बैठते नहीं है लेट जाते हैं सीधा जाके बेड पर पसर गए लेट गए और कॉपी ऐसे सर पर रख के पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी का रिलैक्स मोड ऑन हो जाता है और जब रिलैक्स मोड ऑन होता है तो बॉडी क्या धीरे धीरे नींद आने लगती है एंड वी गो टू स्लीप तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आपको जब भी बैठना है पढ़ने के लिए बैठ के पढ़ना है सेकेंडली क्या है जब आप बैठे हुए हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने पॉस्चर्स को चेंज करते रहना यानी ऐसे हो गए थोड़ा ऐसे हो गए थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथ कर लिया पॉस्चर चेंज करने से क्या होगा कई बार ऐसा होता है हम तो उठे हुए होते हैं बट हमारा हाथ या पैर सो जाते हैं समझ जो ना मैं क्या कह रही हूँ वो अजीब सी सेंसेशन नहीं होती पैर के अंदर कभी हाथ के अंदर जैसे सो गए हूँ कहते हैं कि हाथ सो गया तो वो भी नहीं होना चाहिए ओके okay, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बस पॉस्चर चेंज कर लेते सेकेंडली प्लेस ऑफ स्टडी ये भी बहुत मैटर करती है जब भी आपको पढ़ने बैठना है तो मेक श्योर किया तो तुम ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ो या फिर तुम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो बेस्ट है नहीं तो ड्राइंग रूम में पढ़ो या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ो ओके तो डाइनिंग टेबल पे या फिर आप ड्राइंग रूम में जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस तो कम हो बट आप कंफर्टेबली बिल्कुल ही कंसंट्रेशन के साथ जहाँ बैठ के पढ़ सकते हो वहां बैठ के आपको पढ़ना है थोड़ा ये अवॉइड करना कि जिस समय तुम्हें लग भी रहा है तुम्हें नींद आ रही है तुम बेड पर जाइए और कम्फर्टर वगैरह डाल के अपना बैठ गए हो तो वैसे करके आप मत करना अगर आपको नींद आने की प्रॉब्लम होती है जिससे सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर एंड देन सी आपकी पढ़ाई कितनी इफेक्टिवली होगी नेक्स्ट थिंग इज थर्ड चीज़ क्या है आपकी ब्रेक हमेशा हमें पढ़ाई करते हुए थोड़े थोड़े ब्रेक लेने चाहिए तो मैं कैसे लेती थी आप एक घंटे बाद या 45 मिनट्स बाद चल के पढ़ लिया करो देखो ये होता है एक घंटे में कितनी पढ़ाई हुई होती है हमारी और तभी हम ब्रेक ले लेंगे फिर दोबारा पढ़ने बैठने का मन नहीं करता तो ब्रेक आपको कैसे लेना है आप पहले बैठ के पढ़ रहे थे फिर कॉपी लेके ही घूम घूम के याद कर लिया करो चल के बाहर तक चल गए ऐसे ऐसे चल चल के पढ़ लिया करो या फिर इफ़ यू आर डूइंग सम हैवी वर्क जैसे कि न्यूमेरिकल कर रहे हो या कुछ और कर लो तो कुछ नहीं बस स्ट्रेचिंग कर लिए सो डू सम स्ट्रेचिंग अगर आप न्यूमेरिकल या हैवी वर्क कर रहे हो बस दो चार मिनट उठ के स्ट्रेचिंग कर ली और फिर वापस आके अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट देखो जब हम तो उठे हुए हैं हमारी बॉडी तो उठी हुई है हम पढ़ रहे हैं बट हमारे माइंड को भी तो एक्टिव होना चाहिए हमारा माइंड भी तो उठा हुआ होना चाहिए जैसे कि जब तुम गेम खेलते हो क्या कभी रात के तीन बजे तक भी अगर तुम गेम खेल रहे हो और तुम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ भी करो कभी नींद नहीं आती आप प्रॉपर गेम खेल सकते हैं और हम कहते हैं अरे नहीं अब तो नींद नहीं, नहीं आ रही फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम पढ़े तब हमें नींद आती है तो उसका रीजन ये होता है बॉडी उठी हुई होती है बट माइंड सोने वाला होता है तो माइंड को कैसे जगा के रखना है माइंड को कैसे एक्टिव रखना है माइंड को एक्टिव रखने के लिए आपको अपने पास पेपर रखना है रजिस्टर रखना है और अपना पेन रखना है इधर यू आर रीडिंग इधर यू आर डूइंग एनीथिंग चैप्टर पढ़ रहे हो निर्मेरिकल कर रहे कुछ भी कर रहे हो चाहे आप कोई क्वेश्चन आंसर्स को लर्न ही क्यों ना करो रजिस्टर और पेन रखना है उसमें आपको क्या करना है जब आप कुछ लर्न भी कर रहे हो आप एक पैराग्राफ लर्न कर रहे हो एक क्वेश्चन लर्न कर रहे हो तो जो उसकी की है उसको आपको उस रजिस्टर के अंदर लिखना है देखो देखो लिखने से क्या होता है योर माइंड इज डूइंग सम एक्टिविटी आपका माइंड वर्किंग है काम कर रहा है और जैसे ही आप कीवर्ड्स लिखते रहोगे तो साथ साथ आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा तुम क्वेश्चन लर्न कर रहे हो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तुम्हें वो लिख दो कोई डेट इवेंट आ गई वो लिख दो इससे क्या हो गया साथ के साथ तुम्हारे नोट्स भी प्रिपेयर हो गए बाद में रिवाइज भी कर सकते हो और लर्न करते करते एक दो बातें भी अगर तुमने लिख दी तो तुम्हारी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी उसके साथ साथ नींद बिल्कुल नहीं आएगी बिकॉज योर माइंड इज़ इन अ एक्टिव स्टेज तो इस वजह से हमारी जो नींद है आने वाली प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी क्या करना है जब भी पढ़ने बैठोगे माइंड को एक्टिव रखने के लिए क्या करना है आपको रजिस्टर लेके बैठोगे चाहे लॉन्ग आंसर्स लर्न कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो जस्ट कीप ऑन राइटिंग फ्यू वर्ड्स सो दैट तुम्हारा माइंड एक्टिव रहे और पता है बहुत जल्दी लर्न हो जाता है ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हम अपने लिख लेते हैं दे जस्ट गोइंग टू अ लॉन्ग टर्म मेमरी एंड जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो यही कीवर्ड्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो डेट इवेंट्स होती है ना उनको ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती वेन एवर यू आर लर्निंग अ क्वेश्चन और तुमने डेट इवेंट्स लिख ली इंपॉर्टेंट की वर्ड लिख लिए तो वो जब लिखते हैं तो लॉन्ग टर्म में शिफ्ट माइंड एक्टिव नींदगुल तो इस सॉल्यूशन से आपको नींद भी नहीं आने वाली है और साथ ही साथ तुम्हारी जो स्टडी है लर्निंग है वो भी हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा लिखते हो तो राइटिंग भी अच्छी हो जाती है राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो जाती है सो दिस इज़ अ फुल पैक वीडियो इससे तुम्हें तो नींद आएगी लर्निंग स्पीड भी तेज राइटिंग भी अच्छी तो और क्या चाहिए तुम्हें तो समझ रहे हो ना तो बस पढ़ना शुरू कर दो एक बात देखते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट योर पॉस्चर कि आपको बैठ के पढ़ना है सेकेंड द स्पेस कहाँ पर पढ़ना है आपको या प्लेस ड्राॅइंग रूम में पढ़ोगे राइनिंग टेबल पे पढ़ोगे कहाँ पे आराम से सिटिंग पॉस्चर में यू विल स्टडी थर्ड इज़ यू विल टेक सम ब्रेक अगर आपका हैवी बर्डन है सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो आप पाँच दस मिनट घूम घूम के पढ़ लोगे न्यूमेरिकल कर रहे हो तो स्ट्रेचिंग कर लोगे या फिर बिल्कुल ही तुम फ्री हो यू आर श्योर दैट तुम्हारा काम हो जाएगा जल्दी तो आप पाँच दस मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो घूम के पानी पी लिया छत पे चले गए एक राउंड मार के आ गए लास्ट इज योर एक्टिव माइंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें नींद को भगाना है अगर तुम्हें नींद को भगाना है सो योर माइंड शुड भी एक्टिव गेम खेलते हुए देखा है मुझे रात को 12 से 6 बजे तक पबजी खेलवा लो मुझे एक सेकंड को नींद नहीं आएगी तो वैसे ही तुम में से किसी को भी नहीं आएगी तो व्हाई नॉट स्टडी लाइक दिस तो माइंड को एक्टिव रखना है पॉस्चर अच्छे से बनाना है एंड यू नो अपने आप रिपीट कर लो सो विद दिस आई एम मीनिंग टू डेज वीडियो आई होप तुम्हें ये सब मेरी ट्रिक्स हेल्प करेंगी अगर तुम्हें कोई और टिप्स चाहिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिविन है स्टडी टिप्स बाय वाई सीविनसानी कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन गो एंड सी द वीडियो फ्रॉम देयर एंड अगर इंग्लिश पॉलिटिकल इगो जोग्रफी को भी सब्जेक्ट पढ़ना नहीं यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट गविन है यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मेडिकल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते हैं सारे सब्जेक्ट्स के यू नो अबाउट दैट सो आई मीनिंग टू डेज वीडियो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेल्फ स्टडी एंड योर Preparation. So bye bye, take care, and don't forget to share this video with all your classmates.